हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी ने अपना भाई एमटीएस का फॉर्म फिल कर दिया होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट बॉक्स में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। मैंने इस पर प्रॉपर एक आपकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है और मैं लाइव सेशन भी इसलिए लेती थी, जो आप हमारा नाइट में लाइव सेशन रहता है, डिस्कशन सेशन, इसीलिए कि कोई भी आपका डाउट हो तो लाइव में आप पूछ सकें। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के काफ़ी सारे कॉमेंट्स थे, तो जो बहुत ज़्यादा सिमिलर कॉमेंट्स थे, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन थे, वो मैंने ले लिए हैं और वो साइड में स्क्रीनशॉट भी लगाती रहूँगी बच्चों के क्वेश्चन और उनका मैं वन बाय वन आपको रिप्लाई करूंगी, जिससे आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार आ रहे थे, सेम क्वेश्चंस हो रहे थे, तो मैंने सोचा एक पर्टिकुलर इस पर एक वीडियो बना देते हैं जो भी आपके सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन जिसमें बच्चों को डाउट है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी आपने क्वेश्चंस पुटअप करे हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और आपका वन बाय वन मैं उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी इस वीडियो में, जिससे एक के साथ और भी बच्चों को भी उनका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के सेम क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने इस पर एक ऑफलाइन वीडियो बनाने की सोची। पर्सनली बच्चों को रिप्लाई करने से अच्छा एक वीडियो में मैं बता दूंगी, तो ज़्यादातर बच्चों के पास ये क्वेश्चंस, मतलब अगर उनके होंगे तो उनके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और कास्ट सर्टिफिकेट पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप ही लोगों के क्वेश्चन हैं कॉमेंट बॉक्स में, तो साइड में मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन भी दिखाती जा रही हूँ और आंसर भी करती रहूंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, श्री संत जी ने भेजा है क्वेश्चन है आपका, फॉर्म फिल का बाद का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा क्या? देखिए, अगर आपने वीडियो वो वाली देखी होगी कास्ट सर्टिफिकेट वाली, मैंने प्रॉपर जो आपकी वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको यही बताया था कि जो क्रूशल डेट होती है, क्रूशल डेट आपकी क्या होती है, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट। फॉर्म फिलिंग हमारे की क्या लास्ट डेट है, 31 जुलाई है अगर हम लोग एमटीएस की बात करें। ठीक है, तो 31 जुलाई अगर आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है, तो उसके बाद का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो आप जब डीवी के टाइम पर जाते हैं तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है कि भाई मैं क्रूशल डेट से पहले भी इसी कास्ट में से बिलोंग करता था। ठीक है, तो इस एफिडेविट के चक्कर से बचने के लिए कहीं कहीं पर एफिडेविट वो लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि आपको पता है एसएससी डीवी नहीं करा रहा है, डिपार्टमेंट डीवी कराता है। जो डिपार्टमेंट आपको मिला है वो प्योरली डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, उस पर बेस है कि भाई वो आपका एफिडेविट मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, या जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिए लास्ट डेट से पहले, क्रूशल डेट से पहले। तो फॉर्म फिलिंग का बाद का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा क्या? देखिए, चल भी सकता है आपका, लेकिन अगर आप, क्योंकि आगे आपको पता है एक दो बच्चों का रिजेक्शन भी हुआ है इस वजह से 2022 में, कि भाई उन्होंने डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करा कि क्रूशल डेट से एक महीने बाद का उनका कास्ट सर्टिफिकेट था या दो दिन बाद का था, दो महीने बाद का था, तो उनका एक्सेप्ट उन्होंने नहीं करा, उन्हें काफ़ी चक्कर लगाने पड़े, कहीं कहीं पर एफिडेविट से काम चल गया है, तो ये पूरा डिपार्टमेंट पर है। तो अगर आपका पहले का होता है तो ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था श्री संत का कि बाद का चलेगा या नहीं चलेगा, वो प्योरली आपका डिपार्टमेंट पर है, क्रूशल डेट से पहले होगा तो बिल्कुल आपका चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलने वाले हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये है मोहम्मद जी ने पूछा है, मोहम्मद नदीम जी ने, कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म डेट क्लोज से पहले का बना होना चाहिए, तो क्या इनकम सर्टिफिकेट भी देखते हैं और वो कब का बना होना चाहिए? देखिए, ईडब्ल्यूएस वही हो गया आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, वही होता है, एक ही सर्टिफिकेट आपका ईडब्ल्यूएस का लगेगा, ऑब्वियसली वो आपका क्रूशल डेट का पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं कि दो तीन सर्टिफिकेट आपके लग रहे हैं, सिंगल ईडब्ल्यूएस होगा, उसी में आपका सारा बता दिया जाएगा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट उससे बोलेंगे कि उसी में सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी कि आपकी कितनी क्या इनकम आ रही है फाइनेंशियल ईयर में या वैलिड ईयर में। ठीक है, फिर आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि मोहम्मद शादाब जी का है, मैम मैंने मेरा ओबीसी 2012 का स्टेट का बना था, अभी मैंने उसको सेंट्रल में अप्लाई किया है पर अभी बन के नहीं आया है। ठीक है, पर उससे पहले मैंने एमटीएस का फॉर्म जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया था, लेकिन मैम ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला अप्लाई की लास्ट डेट से पहले आ गया है, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, करेक्शन विंडो खुलेगी तब? हाँ बिल्कुल, आप चेंज कर सकते हैं, करेक्शन विंडो में आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो अगर आपको कास्ट अपना चेंज करनी है तो वहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये रहता है कि कभी कभी सर्वर इशू होता है, बच्चे करेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उससे बचने के लिए जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन हो आप तुरंत अपना एडिट कर लीजिएगा, मॉडिफाई कर लीजिएगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है आपका ये दिल मांगे मोर की तरफ से कि मैम मेरा सेंट्रल एससी फॉर्मेट जो है वो 27 अगस्त 2021 का बना है, एसएससी एमटीएस में चलेगा या नहीं। देखिए एससी और एसटी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, वो आपके 4-5 साल पुराने 6 साल पुराने भी चल जाते हैं, बस सेंट्रल फॉर्मेट में आपका होना चाहिए तो बिल्कुल आपका चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये दिल मांगे मोर जी आपका चल जाएगा, और अगर किसी और बच्चे का भी इसी ईयर का है, इसके आसपास के ईयर का है, तो उनका भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मिस्टर भानु जी की तरफ से, फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बनवा सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, बनवा लीजिए, लेकिन वही शर्त आपकी क्या रहने वाली है कि क्रूशियल डेट से पहले बनकर आपका रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको डीवी के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आज मैंने फॉर्म अप्लाई करा है तो फॉर्म अप्लाई से पहले होना चाहिए, अप्लाई से पहले नहीं लेकिन क्रूशियल डेट से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन प्रमोद जी की तरफ से, सेंट्रल का डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या मैम, प्लीज रिप्लाई। सेंट्रल का कास्ट डिजिटल सर्टिफिकेट भाई सेंट्रल का ही चलने वाला है, एसएससी में स्टेट लेवल का नहीं चलता है, सेंट्रल का ही चलेगा। ठीक है, तो सेंट्रल का ही आपका मांगा जाता है, बिल्कुल आपका वही चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या देखा है कन्हैया जी की तरफ से, मैडम जी इज एमटीएस की वैकेंसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा। देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने आपको बताया था वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर रहते हैं आपके, तो 23-24-24-25। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर ईडब्ल्यूएस के लिए और वैलिड ईयर। ठीक है, वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर आपके ईडब्ल्यूएस में होते हैं, एक साल प्रीवियस का आपका रहता है, तो यहाँ पर वैलिड ईयर आपका क्या रहने वाला है 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 23-24, एक साल प्रीवियस होता है तो ये आपका चलने वाला है वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर, आपके नोटिस में भी ये दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, फिर आपका क्या है यहाँ पर, ये तो आपका हो गया फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी बच्चों का डाउट है कौन सा वैलिड ईयर चलना है कौन सा फाइनेंशियल ईयर, तो वो ये आपका चलेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैम, अच्छा एस चौधरी जी की तरफ से ये क्वेश्चन है, मैम मैं स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी से हूँ और मैंने सेंटर में ओबीसी भर दिया है तो क्या मुझे ओबीसी का सेंट्रल का, हाँ जो भी आपने फिल करा है, देखिए सेंट्रल की आपकी जॉब है एसएससी तो सेंट्रल का ही आपका सर्टिफिकेट लगेगा, तो इन्होंने कहा है सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, बिल्कुल आपको चाहिए होगा, अगर आप सिलेक्शन पा लेते हैं तो डीबी के टाइम पर आपको अपना सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल का यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन अभिषेक कुमार जी की तरफ से, मैम एसएससी एमटीएस से वेरिफिकेशन परमानेंट एड्रेस पर होता है या प्रेजेंट एड्रेस पर, ओबीसी सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस एड्रेस का आपका होना चाहिए। देखिए परमानेंट एड्रेस पर होना चाहिए, अब जैसे कि आप यहाँ यूपी में रह रहे हैं या आप कहीं बाहर पढ़ने गए हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर तो आप कुछ टाइम के लिए ही हैं लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहीं आपकी वही बिलोंग करता है, आपका प्रॉपर एड्रेस वहीं की, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैरेक्टर वगैरह वही लोग आपको जानेंगे। ठीक है, तो वो आपका होना चाहिए परमानेंट एड्रेस का। ठीक है, चलिए तो अभिषेक कुमार जी का ये आंसर हो गया है। नेक्स्ट है मोटिवेशन जॉय जॉय जी का, मैम मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 19 जनवरी 2024 का बना है, एमटीएस 2024 में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट एक साल पहले का वैलिड रहता है। ठीक है, तो लास्ट डेट आपका 1 अगस्त 2024 से पहले 1 अगस्त 2023 इस पीरियड में आपका होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए, एक साल पहले तक का वैलिड रहता है ना, तो 1 अगस्त 2023 है और आपका डेट क्या है हमारी 1 अगस्त 2024 तक का आपका इस पीरियड के बीच में अगर आपका है तो बिल्कुल आपका चल जाएगा, 1 ईयर बिफोर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड अभी पूछे थे, बाकी मैंने सोचा इस पर एक वीडियो आपकी बना देते हैं ताकि और बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कॉल्स पर भी कि भाई ये क्वेश्चंस, तो मैंने इनको एक वीडियो में प्रॉपर बना दिया है आपका, और भी जैसे जैसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा मुझे लगेंगे कि सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो उस पर मैं आपकी वीडियो एक प्रॉपर बना दूंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, और आपका कोई क्वेरी रहती है अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कोई डाउट पूछना है तो आपको इस नंबर पर या इस स्कैनर पर 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, आपकी डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी। अगर आपको कोई डायरेक्ट क्वेरी पूछनी है मुझसे कॉल पर, तो आपको अगर कॉल पर मुझसे बात करनी है तो 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, पेड कंसल्टेंसी आपकी रहती है। ठीक है, तो इस स्कैनर पर या नंबर पर पे कर सकते हैं।
तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ग्रुप में ऐड हो जाइएगा जिससे आपको वहाँ पर भी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।